बदलते मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरे और वायरल बुखार को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सीजनल वायरल बुखार का मौसम चल रहा है, लेकिन यह एक वायरल बुखार है और लोग जल्द ही ठीक हो जाते हैं। अगर लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो जिला अस्पताल सहित सीएससी पीएससी पर तुरंत जाकर डॉक्टरों से संपर्क कर उचित परामर्श के साथ दवाइयाँ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि उनको किसी तरह की जानकारियां नहीं होती है और गलत इलाज करके बीमारी को बढ़ा देते हैं। इस संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू वायरल बीमारी है, जिसमें मरीज को बुखार, सिर दर्द, पीठ दर्द तथा जोड़ों में दर्द होता है और पूरे शरीर में कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। जैसे ही इस तरह के लक्षण पाए तो तुरंत किसी नजदीकी क्लिनिक या सीएससी पीएससी पर जरूर दिखाएं या जिला अस्पताल में आएं। जिला अस्पताल में इसकी पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अपने घरों में कहीं भी पानी ना लगने दें, जैसे गमलों में तथा कूलर में 2 से 3 दिन तक पानी हो जाने के कारण मच्छर पनपने का डर होता है तथा इन मच्छरों से बचाव के लिए रात में मच्छरदानी लगाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और कहीं भी घरों में जल जमाव ना होने दें। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 10 बेड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव व सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, भी एक तरह का वायरल बीमारी है जिसमें मरीज को बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और ख़ास बात है कि इसमें प्लेटलेट की काउंट जो है गिरने लगती है, इसीलिए बाद में मसूड़ों से खून भी आने लगता है। जैसे ही इस तरह के लक्षण पाए जाएँ उनको नज़दीक से नज़दीक जो भी सीएससी या पीएससी उपलब्ध हो उसमें दिखाएं या जिला अस्पताल में आएँ। जिला अस्पताल में डेंगू की जांच की एनएसएम की व्यवस्था है, उसकी जांच की जाती है और इस वर्ष में 79 मरीजों की जांच की गई है डेंगू की, जिसमें एक पॉजिटिव आया है, वो 31 साल एक महिला थी जो नंदानगर की रहने वाली, एयरफोर्स की जो कॉलोनी है उसके पीछे नंदानगर की। इस संबंध में जो कार्रवाई रोकथाम की जाती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से की जाती है, प्रचार प्रसार किए जाते हैं, आईसी किए जाते हैं और सबको जागरूक किया जाता है। इस संबंध में सीएमओ का भी मीटिंग लगातार उनके यहाँ चल रही है, उनका एसीएमओ और सीएससी के अधीक्षकों के द्वारा, और इसमें ये मुख्य सलाह दी जाती है कि कोई भी कहीं भी पानी न लगने दें, स्पेशली जो कूलर में पानी या पानी आपके पुराने समय से गमलों के नीचे तस्तरी रखी रहती उसे पड़ा रहता है, उसमें मच्छर बहुत ही पनपते हैं और फ्रेश वाटर में पनपते हैं और दिन में ही काटते हैं। इन मच्छरों से बचाव के लिए है कि रात में मच्छरदानी लगाएं, पूरी आस्तीन की कपड़े पहने और कहीं भी पानी का घर में जमाव ना होने दें, जिससे इसे बचा जा सके। हमारे यहाँ डेंगू के लिए 10 बेड आरक्षित किए जा चुके हैं, क्योंकि अस्पताल में कई तरह के आरक्षण चलते हैं, AES है, JEE है, डेंगू है, कोविड के लक्षण वाले ऐसे मरीज जिसमें कोविड की पुष्टि नहीं होती है, तो उसी में बुखार वाले मरीजों की जो आरक्षण होता है बेड का, उसी में 10 बेड डेंगू के मरीज के लिए आरक्षित किए जा चुके हैं। सर, घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार में जब भी बुखार हो इनको सबसे ज़रूरी होता है सिर, हाथ, हथेली, तलवे की ठंडे पानी की पट्टी बदलें
और एक पैरास्टामॉल की टैबलेट 650 मिलीग्राम की कुछ खाने के बाद उसको दे दें और तत्काल ही क्वालिफाइड चिकित्सक से संपर्क करें जो PHC, CHC और जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। आजकल सीजनल वायरल बुखार लोगों को चल रहा है, हमारी OPD वगैरह में भी केसेस की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये कॉमन वायरस है जो ठीक हो जाते हैं, जो कि आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे CHC PHC पर तुरंत जाएं और दिखाएं, और हमारे PHC CHC पर दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, डॉक्टर देखेंगे और दवाइयां आप लेंगे और आपका बुखार ठीक हो जाएगा। किसी झोला छाप या अपने से दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और डॉक्टर ही सलाह देगा कि क्या क्या आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है। साथ साथ हमें अपने और भी इन्फेक्शन जो है, सीजनल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, स्क्रब टाइफस हो गया, इन सबकी जांचें जो है हमारे सभी CHC PHC पर और जिला अस्पताल BRD मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। आपको अगर कुछ दिक्कत महसूस होती है, बुखार आता है, तो आप जाएँ, हमारे डॉक्टर की सलाह पर इन्वेस्टिगेशन होगा और उसी हिसाब दवाई आपको दी जाएगी, आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। किसी झोला छाप डॉक्टर के चंगुल में बिल्कुल ही ना फंसे, क्योंकि वो समझते नहीं हैं, समझदार नहीं होते हैं, वो इधर उधर की दवाई देते रहते हैं जिससे बुखार बिगड़ जाता है और फिर हमको बुखार ठीक करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो डेंगू क्या लक्षण है? डेंगू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जो डेंगू को वायरस जो है बहुत ही डेलिकेट वायरस होते हैं, ये दिन में काटते हैं और ये रुके हुए पानी में, साफ सुथरे पानी में, रुके हुए पानी में पनपते हैं। जैसे कि कूलर हो गया, कूलर में पानी रुका हुआ है तो उसमें पनप जाएंगे। आपका गमला है, गमले में 3-4 दिन पानी रुका हुआ है तो गमले में पैदा हो जाते हैं। AC के पीछे जो पानी गिरता है, अगर वो साफ सफाई उसकी ना होती रहे तो उसमें भी पनप जाते हैं। और ऊपर अगर छत पे या कहीं टायर पड़ा हुआ, इस तरह की चीज़ें पड़े, रबर पड़ा हुआ है, कोई पन्नी पड़ी हुई है, पन्नी के ऊपर पानी इकट्ठा होकर के रुका पड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप सभी लोग ध्यान रखिए कि इस तरह का पानी जो है कहीं छत पर, आस पड़ोस या गली में कहीं इस तरह का पानी, साफ सुथरा पानी इकट्ठा ना होने पाए, उसको हटा दीजिए, और जिससे आपके एरिया में डेंगू का वायरस, डेंगू का जो मच्छर है वो पलने नहीं पाएगा, और जिससे आप सावधानी से आप अपने को बचा सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार हो गया है और पेट में कुछ दर्द महसूस हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर से सलाह लें, उसका इलाज कराएं।